चंद्रयान के जाने पर जो मर्दानगी वाला राष्ट्रवाद है ये मोदी के लिए किया जा रहा है, हालांकि इसका विज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई विज्ञान से ताल्लुक है तो मेरे चार पांच छोटे छोटे सवाल है जनाब। आज पहाड़ों में क्या हो रहा है? पहाड़ जो है, हमारे हिमालय पहाड़ जो है, सारे जियोलॉजिस्ट जानते हैं कि ये सबसे नया बना हुआ पहाड़ है, ये मिट्टी का पहाड़, ये मिट्टी के पहाड़ है। और अगर आपने ऊपर से अपने 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 ग्रह जो है, जो हमारे अंतरिक्ष में ग्रह हैं, उनकी मदद ली होती कि ये हमारे पहाड़ों को क्या हो रहा है, क्या अंदर तक क्या हो चुका है, तो आज जो सारे शहर डूब रहे हैं, आज पूरे के पूरे प्राण डूब रहे हैं, उत्तराखंड हमारा, हिमाचल जो है वो हम बचा सकते थे। क्या ये देश जानता है कि इतिहास में पहली बार अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद कर दी गई है? तो इंसान के बनाए हुए जो कांड है, इंसान की बनाई हुई तबाहियां, इंसान ने जो कुछ कराया पर्यावरण के साथ खेलकर, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं, जो संतुलन है उसको उसको छेड़कर, आप उसको बोले खुदा ने कर दिया। अरे खुदा को इतना जलील करोगे? आपने आपने एक्ट ऑफ गॉड कह दिया, आपने आपने कह दिया तबाही जो आ रही है, ये जो भूचाल आ रहा है, ये जो मकान गिर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जमीनें धस जा रही हैं, बाढ़ आ रहे हैं, हजारों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये खुदा का दिया हुआ है? तो मुझे लग रहा है कि जो खुदा को पूजने वाले हैं कम से कम उनको ये जेबा नहीं देता कि वो ये सब बकवास करें। पर ये बहुत बहुत गंभीर मामला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और वो चर्चा करने की कोशिश करते हैं जो गोदी मीडिया में कतई नहीं हो रही है, बल्कि आपको अंधेरे में रखने का इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त पूरे देश में जश्न है चंद्रयान के चांद पर पहुंचने का, चंद्रयान 3। अखबारों ने हेडिंग लगाई इंडिया ऑन द मून और मुख्तलिफ तरीके से, और जश्न की बात भी थी कि मुल्क की बड़ी कामयाबी हुई, साइंसदानों ने बड़ा काम किया है। लेकिन इसके दरमियान और क्या कुछ हो रहा है? क्या ये साइंस का इस्तेमाल लोगों के वेलफेयर के लिए, या कुछ और है इसके पीछे कहानी? ये हम समझेंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे खास मेहमान हैं शम्सुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, खास तौर पर आरएसएस पर एक तरह से स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म का नशा दिया जाता है उसको वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं रीजनिंग के साथ। और इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई मुल्क को जरूरत है और इस मुल्क की मजबूती के लिए जो इल्म चाहिए वो इल्म को फरोग देते हैं। शम्सुल इस्लाम साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, थिएटर की दुनिया के जाने माने शख्सियत हैं। आज एक तो ये चंद्रयान के बारे में हम बात करेंगे, साइंस के इस्तेमाल पर बात करेंगे, इसके अलावा मौजूदा सरकार किस तरह से साइंस को पीछे छोड़ते हुए वो अंधविश्वास को बढ़ाने का इंतजाम। हमें आपको याद है कि जब पहली बार टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया कि गणेश दूध पी रहे हैं, वहां से कहानी शुरू हुई थी, और अब इंटरनेट और प्लास्टिक सर्जरी, वो सारे दावे किए जा रहे हैं कि वैदिक काल में होता था। शम्सुल इस्लाम साहब वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि चंद्रयान की कामयाबी की खुशी के साथ साथ वो कौन सी ऐसी बात है जो आप बताएंगे अपने दर्शकों को कि किन चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है? जी बहुत शुक्रिया काजमी जी, और आपने फिर एक बार मीडिया स्टार वर्ल्ड जो है तमाम चीजें केवल केवल किसी चाय खाने की बातचीत नहीं, बहस नहीं, कोई अखबारी बातचीत नहीं, बल्कि एक गंभीर सवाल पर आपने आपने तय किया है आज की बातचीत। तो ये सारे साथी जानते हैं कि 23 तारीख को शाम को 6:04 पर
दुनिया में पहली बार भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजा गया जो विक्रम एक गाड़ी थी, एक बग्घी थी, वो चांद पर उतार दी गई। और चांद के जो जुनूबी जो हिस्सा है, जो 12-14 दिन डार्क रहता है, और इन दिनों में भी वो डार्क है, वहां पर उतारा। और ये पहला पहला मुल्क था। और इस तरह से जो खुशी मनाई जा रही है और वाहवाही की जा रही है वो ये है कि अब भारत भी, हिंदुस्तान भी चीन रूस अमेरिका के जो क्लब है उसका शामिल हो गया, यानी वो जो महान देश हैं, तो वो भी अब हम महान देश बन गए। तो इसमें खुशी होने की बात है, पर कुछ गंभीर सवाल है जिसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये किसी नए राजा की या पुराने राजा को, जिसकी गद्दी को खतरा है, उसके खतरे को टालने का ये हथियार भी बन सकता है इस तरह की चीजें। देखिए, मैं आपसे जो बात बताना चाहता हूं, पहले हम इसको दो तीन चीजें जान लें कि ये सन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था इंदिरा गांधी जी के जमाने में, और उन्होंने कहा था कि हमने इसको पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अंतरिक्ष में जो कुछ हो रहा है, ऊपर आसमानों में जो कुछ हो रहा है उसको देखना होता है। हम मौसम के बारे में जानकारी, हमने जमीन के अंदर जो कुछ है, इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ये नदियां क्या किस तरफ जा रही हैं, कहाँ रास्ता बदल रही हैं, समंदर के अंदर क्या हो रहा है, सी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ क्या दस्तक दे रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, इसको जानने के लिए हमको वहां जाना था। और इसको शुरू कराने वाले जो लोग थे वो बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक थे, लेकिन वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी थे। जैसे विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर ये लैंडर गया, जिनके नाम पर वो बग्घी उतारी है, विक्रम साराभाई जो थे वो पूरा प्रगतिशील आंदोलन, वो भारत का जो प्रगतिशील लेखक संघ थे उसके संस्थापकों में से थे, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन उसके संस्थापकों में से थे, ये इसको आप समझ लें। और वो इसका इस्तेमाल हमारे देश में, हम ये कहें कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये देखिए ना, बड़ा काजमी जी, बड़ा मजेदार बात है। आप जो आज हिमाचल में, उत्तराखंड में हो रहा है, यहां सब जो हो रहा है, आप उसको इंसान के बनाए हुए जो कांड है, इंसान की बनाई हुई तबाहियां, इंसान ने जो कुछ कराया पर्यावरण के साथ खेलकर, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं, जो संतुलन है उसको छेड़कर, आप उसको बोले खुदा ने कर दिया। अरे खुदा को इतना जलील करोगे? खुदा को आपने जो हमारे बच्चे अपाहिज हैं, जिनको हम स्पेशली डिसेबल कहते हैं, उनको आपने कह दिया कि वो दिव्यांग है। अरे दिव्यांग वो नहीं है, खुदा किसी को इस तरह का नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आपने उसका बचपन में इलाज नहीं कराया, आपने उसको पोलियो का टीका नहीं दिया इसीलिए उसका पैर खराब हो गया, आपने उसकी आंख खराब हो गई क्योंकि आपने उसको सही इलाज नहीं कराया, उसकी आपने सही डिलीवरी नहीं कराई, सही फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो दिव्यांग हुआ है, आम जो दिव्यांग है, आपने उसको भगवान के नाम में जोड़ दिया, भगवान बेचारा है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, आपने एक्ट ऑफ गॉड कह दिया, आपने कह दिया तबाही जो आ रही है, ये जो भूचाल आ रहा है, ये जो मकान गिर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, जमीनें धस जा रही हैं, बाढ़ आ रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये खुदा का दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो खुदा को पूजने वाले हैं कम से कम उनको ये जेबा नहीं देता कि वो ये सब बकवास करे, पर ये बहुत बहुत गंभीर मामला है। तो ये जो इंदिरा गांधी की जो सोच थी, और उसके बाद जो इनको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, मैं उनके नाम गिनवा सकता हूं, वो इसलिए ताकि हम भारत को एक वैचारिक जो अंधकार है, जो सुपरस्टिशन है, उससे हम निकाल कर हम ये बताएं कि ये क्यों हो रहा है, बाढ़ क्यों आ रही है, बाढ़ खुदा का कहर नहीं है, भूचाल खुदा का कहर नहीं है, कोई कोविड आना खुदा का कहर नहीं है, ये लोगों की वजह से हुआ है, इसको हमको बताना चाहिए उसके लिए किया गया था। और बात मैं अपनी शॉर्ट करता हूं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, हालांकि कभी बैठकर आपको आमने सामने मौका मिले तो सारा दिन भी आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें इसको जिन्होंने सफल बनाया, जरा उनके नाम सुन लीजिए,
पी वीरामुथुवल चीफ है इसके, बी एन रामाकृष्णा जी, ये जो गया है यानी ओवरऑल इसरो के चीफ है वीरामुथल, जो जो चांद पर जाने की जो प्रोजेक्ट है उसके बाद इस खास प्रोजेक्ट के हैं बी एन रामाकृष्णा, उसके बाद उनके उप हैं एम शंकरन, उसके बाद है मोहना कुमार, उसके बाद है वी नारायणन, उसके बाद है एस यूनिकृष्णन नायर, इनको हम सलाम करते हैं, इनको हम सलाम करते हैं। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस देश के सामने मैं रख रहा हूं दो तीन दिन से, मतलब 23 तारीख से ही रख रहा हूं, ये सारे के सारे साउथ इंडिया से हैं, सारे के सारे कहां से हैं, ये तमिलनाडु से हैं, ये केरला से हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं, ये तेलंगाना से हैं, ठीक है। इस देश में राज करने वाले जहां से आते हैं उत्तरी भारत, इस देश में राज करने वाले जो वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया से आते हैं वहां का कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। आज गुजरात जो हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है, गुजरात ही भारत है, भारत गुजरात है, वहां के तो दो बड़े आदमी जो है इस देश को राज करते हैं, उनका बुलडोजर चलता है, गुजरात का कोई आदमी नहीं है इसके अंदर। तो और सीधा सीधा आप एक कंपैरिजन देख रहे हैं, सीधा सीधा आप एक 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 तुलनात्मक आप अध्ययन कर सकते हैं कि हम जो नॉर्थ के लोग हैं, हम जो वेस्ट के लोग हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम मस्जिद बनवाना, हम गाय के नाम पर लिंचिंग, हम जो है जैसे आपको आप शर्म से डूब जाएंगे, लेकिन हम लोगों के पास शर्म जो है इतनी ज्यादा हो गई है कि उसमें हमारी इंसानियत भी खो गई है कि यूपी का जो मुख्य चीफ है उसने पुलिस महकमे को, कोई विजय कुमार साहब हैं, उन्होंने पुलिस महकमे को कहा है कि वो जो है चोरों की तलाश हिंदू पंचांग के हिसाब से करे, चोरों की तलाश हिंदू पंचांग के हिसाब से करे। मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रस्ताव था जिसको बहुत उधम मचा था और डॉक्टरों की तरफ से उधम मचा था, वो वापिस ले लिया गया कि जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी डिस्पेंसरी है, उसमें एक भविष्यवक्ता भी बिठाया जाएगा। वहां पर ये प्रस्ताव था, वहां पर ये प्रस्ताव था कि बाबा एक नजूबी बैठेगा और वो बैठकर आपका हाथ देखकर, आपका भविष्य देखकर ये बताएगा कि आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, अगर वो क्लियरेंस देगा, सर्टिफिकेट देगा क्लियरेंस का, तो डॉक्टर साहब देखेंगे इलाज के लिए। ये तो बहुत ही अजीब बात है। देखिए आम तौर पर एक इंसानी कोशिश हर एक की होती है, कोई बीमार हो जाए उसकी फैमिली के लोगों की, जो बीमार हो जाए उसकी खुद की, कि वो उसको सेहत वापस मिले, बहाल हो। अगर किसी को अच्छे खासे ठीक ठाक आदमी को वो नजूमी अपने आधे अधूरे या निकम्मे इल्म की बुनियाद पर ये कह दे कि ये आदमी मर जाएगा, तो देखिए मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल, ये कौन है जो बचेगा, मरना सबको है, लेकिन सेहत के लिए तो कोशिश, इसका मतलब उसके बाद में सेहत के लिए कोई कोशिश भी ना करे, अपनी मौत का इंतजार करे। हाँ जी, वो क्योंकि पंडित जी या मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इसको लागू कर दिया जाएगा तो कोई मुसलमान नजूमी में बिठाएंगे और वो ये सब करेंगे, यहां से वो चलेगा, लेकिन वो बात वहां रोक दी गई थी क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत विरोध किया था। उसके बाद आप ये उसको छोड़िए, आप ये यूपी के जो पुलिस चीफ हैं वो कह रहे हैं कि जो जुराइम पकड़े जाएंगे वो भी हिंदू पंचांग के हिसाब से, उनका कोई फॉर्मूला है कि वो अंधेरी किस दिन रात होती है, ऐसा होती है, तो अभी तो अंधेरी रात के अंदर चोर नहीं होते, अभी तो सफेद पोश चोर जो है वो तो दिन के अंदर सब कुछ करते हो, तो बैंक लूट के उनको अंधेरी रात का इंतजार नहीं करते हैं। तो ये आप इसको धर्म से जोड़ देंगे और धर्म का भी जो गैर वैज्ञानिक जो सुपरस्टिशियस है आप उसको बढ़ावा देंगे। तो मैं जो यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कैसे साउथ इंडिया और उत्तर उत्तर भारत जो है कैसे बट गया है, साफ बटा हुआ आपको दिखा रहा है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। देखिए मैं भी पत्रकारिता में एक तजर्बे के तौर पर अक्सर कुछ लोगों को कहता हूं, बताता हूं कि आम तौर पर साउथ इंडिया में, क्योंकि पत्रकार का ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है वो पॉलिटिशियन से होता है, तो जो कुछ मैंने तजुर्बा किया है वो ये कि साउथ में आम तौर पर एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, वहां कोई कामयाब पॉलिटिशियन वो होता है, या एमएलए का इलेक्शन वो लड़ता है, या कॉरपोरेशन में वो आता है जिसने पहले कुछ जनता की खिदमत की हुई होती है, कोई स्कूल कायम किया है, कोई यतीम खाना कायम किया है, या जो भी सोशल सर्विस हो सकती है। नॉर्थ में आम तौर पर कागजी घोड़े यानी
बस बयानात देंगे अखबारों में, अखबार वालों से सेटिंग हो जाएगी और नेताजी को रोजाना जाकर के क्लिपिंग देंगे, देखिए हमने ये कहा मीडिया में और वो नेता बन गए। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है, ये जो फर्क आप बता रहे हैं। वहां वहां एक धर्म, इनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो धार्मिक है, जी 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 बिल्कुल, वो पूजा करते हैं लेकिन उसके साथ उस विज्ञान के उसमें। यहाँ हमारा क्या है, जब आपका धर्म आएगा तो आपने विज्ञान को लात मार देनी है, आपने ये बताना है कि अरे एम्स में और इस सब की तो जरूरत नहीं है, हम तो भविष्यवक्ता बिठाएंगे, उसके बाद हम नाक काटने, हम तो 50,000 साल पहले नाक हमारी जुड़ जाती थी, हम सर काट के दूसरा लगा दिया करते थे। अच्छा पूछेंगे भैया फिर उसका फॉर्मूला क्यों नहीं है, कहले नहीं नहीं वो तो मुसलमानों के आने पर खत्म हो गया था, वो तो ईसाइयों के आने पर खत्म हो गया था। यानी 5,000 साल पुराने जो विज्ञान थे ये मुसलमान ईसाई 1200 साल में आए, इन्होंने आके सारा मलियामेट कर दिया। हम और किस तरह से हम अपने देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं ये बात। मोदी जी ने हमारे जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद एक बार कहा था कि हमारे यहाँ तो वैदिक काल में इतनी मेडिकल साइंस एडवांस थी कि गणेश की तस्वीर आप देख लो, गणेश का जो फोटो है उसमें हाथी की नाक जो है तो ये प्लास्टिक सर्जरी से की गई थी। तो ये इस लेवल पर, और एक और बीजेपी के लीडर ने ये कहा था कि वैदिक काल में इंटरनेट मौजूद था, एक किसी ने कहा कि हवाई जहाज भी मौजूद था, तो ये सारे थे वो कहाँ चले गए, अब तक तो वो रॉकेटों में तब्दील हो जाने चाहिए थे, क्या होता है। असल में मैं उसमें एक आपको मजाक लगेगा लेकिन मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, उस सारी वैदिक ज्ञान के साथ तो आपने ये काम चांद पर भेजने का किस किस को दे देना चाहिए था, बाबा रामदेव को देना चाहिए था। ये बेकार में साइंटिस्ट ने और इतना पैसा और ये सब, बाबा रामदेव को दे देना चाहिए था, आरएसएस ने जो धर्म संसद बनाई है उसको दे देना चाहिए था, इसने वीएचपी को और शंकराचार्यों को दे देना चाहिए था क्योंकि उनके पास तो ये सारा वैदिक ज्ञान है, सबसे पहले तो बाबा रामदेव को दे देना चाहिए था, उसको बुलाकर कहते, असल में उसका टेस्ट भी हो जाता इस देश के सामने। अगर इस देश में जनता के पक्ष की सरकार होती तो ये ढकोसलेबाजी और ये जो अंधविश्वास है इसको, अगर रामदेव को उसका उसका पूरा उतारना होता तो उसको कहते रामदेव जी आप जरा चांद पर जाने की तैयारी करिए, हमने आपको आपको हेड ऑफ दी प्रोजेक्ट बना दिया है, किसी ने नहीं किया उसको। और नहीं उनके 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 उनकी एक्सपर्टाइज तो लोगों को पेशाब पिलाने में और गोबर खिलाने में है ना, वो तो अंधविश्वास के आखिरी लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। जी जी तो अब अच्छा अब हम मैं चाहता हूं कि हम उस बहस में नहीं जाकर हम जरा वापिस आ जाएं चंद्रयान पर। तो ये चंद्रयान क्या है इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात एक डिफेंस के एक्सपर्ट हैं सी मोहन राव, आप जो सी राजा मोहन ये पहले हिंदू के ये दुनिया के माने हुए भारत के डिफेंस के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, आजकल इंडियन एक्सप्रेस में हैं। इन्होंने 24 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में, और मजे की बात यह इंडियन एक्सप्रेस काफी सुलझा हुआ अखबार है, उन्होंने भी जो पूरी हेडलाइन लगाई इंडिया ओन्स मून, यानी जो आप बिल्कुल इस तरह का कि चांद पर अब भारत का कब्जा हो गया, तो ये क्या चांद पर कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, भारत का ये गया है, भारत की ये बग्घी वहां पर गई है, विक्रम बग्घी गई है, और इसके बारे में कोई शुबा था तो राजा मोहन जी ने बहुत साफ कर दिया, उन्होंने लिखा कि हमने कोई वहां तिरंगा लहराने नहीं गए हैं, हम वहां पर गए खनिजों की तलाश में, हम वहां पर गए आगे भविष्य की सारी जंगें ऊपर से होंगी नीचे नहीं होंगी। सी राजा मोहन ने लिखा है ये साफ साफ मेरे प्यारे दोस्तों काजमी जी, जी 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 हम खनिजों की, हम रेयर खनिजों की तलाश में गए हैं, हम मदनियात की तलाश में गए हैं, और आप जानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर आज जो रेयर अर्थ्स हैं जिसको एटम बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, जासूसी करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, ये हम उसके लिए वहां पर गए। ये राजा मोहन जी ने बिल्कुल ये फंडा जो है कि वो तो विज्ञान की सेवा के लिए और उसके लिए और उसके लिए गए हैं, वो बिल्कुल उन्होंने पूरा पूरा साफ कर दिया है। और बात साफ है, नल्ली सिंह एक और बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये मर्दानगी वाला
चंद्रयान के जाने पर जो मर्दानगी वाला राष्ट्रवाद है ये मोदी के लिए किया जा रहा है, हालांकि इसका विज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई विज्ञान से ताल्लुक है तो मेरे चार पांच छोटे छोटे सवाल हैं जनाब। मेरे चार पांच विज्ञान, हमने बताया कि विज्ञान विज्ञान बड़े सरकारी पदों पर रहने वाले अफसर भी किस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ एक नजूबी को बिठा रहे हैं और वो कह रहा है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से हमने जुर्म को पकड़ना है, तो वो हिंदू पंचांग के हिसाब से पता नहीं लिंचिंग करने वाले या औरतों को रेप करने वाले किस तरह से पकड़े जाएंगे, क्या होगा। मैं मेरे तीन चार मेरे जहन में जो सवाल है वो बताना चाहता हूं। आज पहाड़ों में क्या हो रहा है? पहाड़ जो है, हमारे हिमालय पहाड़ जो है, सारे जियोलॉजिस्ट जानते हैं कि ये सबसे नया बना हुआ पहाड़ है, ये मिट्टी का पहाड़ है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं। और अगर आपने ऊपर से अपने 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 ग्रह जो हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में ग्रह हैं, उनकी मदद ली होती कि ये हमारे पहाड़ों को क्या हो रहा है, क्या अंदर तक क्या हो चुका है, तो आज जो सारे शहर डूब रहे हैं, आज पूरे के पूरे प्राण डूब रहे हैं, उत्तराखंड हमारा हिमाचल जो है वो हम बचा सकते थे। हम वहां पर कंक्रीट नहीं बिछवाते, हम वहां एक पैसे वाले लोगों के लिए टूरिज्म नहीं कराते, हम उसको धार्मिक टूरिज्म भी रखते कि आप अपना जो है आप जाइए, कष्ट उठाइए और अपने अपने जो जो देव हैं, जो हमारे देव जगह हैं उनको आप, क्या ये देश जानता है कि इतिहास में पहली बार अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद कर दी गई है? जानता है ये देश? अगर बताया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया एक हफ्ता पहले, क्योंकि ये कहा गया कि वहां पर मौसम नासाज हो रहा है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, भौगोलिक चीजें हो गई हैं, जिसके लिए एक हफ्ता पहले, मान लीजिए ये कहीं पर कोई मुसलमान आतंकवादी या कोई होता और उसको करा दिया होता तो आज ये सारा देश जल रहा होता। लेकिन इस देश ने पूछा नहीं कि ये हमारे सैटेलाइट क्यों नहीं बता पाए कि वहां पर पहाड़ों के अंदर क्या हो रहा है, हमको ये नहीं बता पाए कि ये हिल टूरिज्म जिसको आपने तमाम जगह, आप हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, जहाज भेज रहे हैं, आप एसयूवी के अंदर आप चले जा रहे हैं और हजारों हजारों गाड़ियां डूब जा रही हैं वहां पर, जहां पर पैदल चलकर जाना था या ज्यादा से ज्यादा आप हिचहाइकिंग कर सकते थे, हिचहाइकिंग ट्रैक्स आपकी होती, आपने वहां पर एसयूवी चलाने के लिए आपने चार चार लेन के अपनी सड़कें बनाई है। आज कल की खबर है कि चंडीगढ़ से लेके मनाली तक कितने किलोमीटर मतलब जाम लगा पड़ा है, ना गाड़ी आगे जा सकती है, ना पुड़ सकती है, ना पीछे आ सकती है। कालका के अंदर कल क्या हुआ है क्या उसको आप जानते हैं? और जरा सा आप जानिए कि जिस दिन ये वहां पहुंचा है, हमारा लैंडर वहां पहुंचा है, विक्रम लैंडर वहां पहुंचा है, उस दिन मिजोरम में क्या हुआ है? हम मिजोरम में जो 40 के करीब मुसलमान हिंदू, देखिए कुर्बानी करने में भी मुसलमान हिंदू दोनों वहां साथ है, बंगाल के दो जिलों के जो मजदूर वहां पर गए हैं, वहां पर कोई गुजरात का मजदूर नहीं गया, वहां पर कोई मध्य प्रदेश का मजदूर नहीं गया, वहां पर कोई यूपी का मजदूर नहीं गया, वो सबसे सस्ते जो बंगाल के मजदूर मिलते हैं वो वहां पर गए। और उन्होंने वहां जाकर किस तरह से, आप पता ही नहीं कर पाए कि जो आप रेलवे का ब्रिज बनना है, आप रेलवे के ब्रिज को जो है, जहां जो चीज खड़ी कर रहे हैं, जो आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, उसका आधार नहीं, बेस नहीं है, उसको आप नए नियंत्रण से, आप उसको ये अंतरिक्ष के कुछ चीजों को लेकर आप पता कर सकते थे कि वहां पर इसको ना लगाया जाए। आपने जो उड़ीसा के अंदर जो सबसे बड़े रेल के हादसे हुए, 3 रेल के हादसे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, आप उसका पता कर सकते थे क्या गड़बड़ हो रहा है अंतरिक्ष में बैठकर, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसका इस्तेमाल किया है महान बनने के लिए, और आप झंडा लगाने नहीं गए, आप दूसरे मकसद से गए। उसके बाद अच्छा इसमें एक बात बताइए शमसुल इस्लाम साहब, ये देखिए ये इसरो और जितने भी साइंटिफिक इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने सही कहा कि उससे हमें सही वक्त पर मालूमात होनी चाहिए थी, उसका इस्तेमाल करते तो ये देश का जो इतना बड़ा फंड इसमें लगता है, और शायद उससे ज्यादा कहीं पब्लिसिटी पर लगता है सरकार की कामयाबी बताने के लिए, उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ क्या 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 ये सिर्फ है क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ये सब क्या है? इसरो जिसको मोदी जी सारी दुनिया की वाहवाही ले रहे हैं, पिछले बजट में 32% कट किया गया है,
32% उनका बजट कट किया गया है और इन साइंटिस्ट को दाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से जुगाड़ करके ये सारा सफल किया है। उसके बाद जो रांची से इंजीनियर गए हैं उसकी व्हीकल को बनाने के लिए, 17 महीने से उनको वेज नहीं मिला है। वो एक टेक्निकल चीज में फंस गए कि आप तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आदमी हैं, आपको इसरो से कैसे पैसा मिलेगा। 17 महीने से मेरे प्यारे दोस्तों, 17 महीने से जो 85वें इंजीनियर है जिन्होंने इसको सफल किया है उनको तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, अब अगली बात जिसके लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है, साइंस और तकनीक जो है वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसको पकड़ लेते हैं पैसे वाले लोग। जैसे धर्म को, धर्म का मतलब होता है लोगों की मुक्ति कराना, उनको मुश्किलों से निजात दिलाना, लेकिन जब उसको पैसे वाले लोग और शासक जब उस पर कब्जा कर लेते हैं तो सारे धर्म जो है वो फिर साम्राज्य बन जाते हैं, वो दादागिरी की संस्थाएं बन जाते हैं। और हमने बहुत सारे धर्मों में यही होता हुआ देखा है और वो बिल्कुल साफ हो रहा है। अब आप जरा सा इस बात को बताइए, मैं एक छोटा सा मतलब बिल्कुल गांव की तरह का एक उदाहरण आपको देता हूं। मोबाइल आ गया तो मोबाइल का क्या काम होना, मोबाइल का क्या फायदा होना था कि जो सुदूर है जहां किसी से कोई संपर्क नहीं हो सकता वहां मोबाइल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे फिर एक मैं मोटा सा उदाहरण लेता हूं कि हमारे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा, हालांकि पिछले 1-2 साल में थोड़ा स्थिति थोड़ी सी कम खराब हुई है, मैं सुधरना तो नहीं कहूंगा, तो उसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा जनते हुए जो बच्चियां थी हमारे देश में मरती थी। ये मोबाइल का क्या काम होना था? मोबाइल का काम ही होना था कि ये वहां रहेगा, गांव के अंदर रहेगा, और जो बच्चा जनने वाली होगी उसको फौरन हम एम्बुलेंस कराएंगे, उसको डॉक्टर पहुंचवाएंगे, ये सब होगा। लेकिन मोबाइल किस काम में आया है? मोबाइल जुआ खेलने के काम में आ रहा है। मोबाइल अपने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए के वो एक कंपटीशन है। आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनके पास पैसा है और पैसा जमा करने के लिए। ये जो वंचित हैं, जो आखिरी लाइन के अंदर खड़े हैं, उनकी जिंदगी इन्होंने सहज कर दी। और अगर मान लीजिए उनके पास मोबाइल है भी तो वो डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं, हैसियत नहीं, वो अपनी अपनी आदमी मर जाए उसको उसको उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने की उनकी हैसियत नहीं है। तो ये किस लिए है? अच्छा, और कहीं तो इस हद तक भी होता है कि कफन का पैसा नहीं होता फैमिलियों के पास, कफन का पैसा नहीं होता, मरने के बाद भी जो छोटा सा खर्चा होता है तो वो भी खर्च करने के लिए। प्रेमचंद जी, और मैं चाहूंगा आप लोग प्रेमचंद जी की कहानी पढ़े कफन इसके लिए, आज उससे स्थिति बनी। अच्छा देखिए, मेरे सामने 4-5 सारी दुनिया के, भारत के जो आंकड़े हैं, सारी दुनिया की बड़ी संस्थाओं से आए हुए भारत के सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं कि क्या साइंस का इसके लिए भी कोई इस्तेमाल हो सकता था। हमारे देश में बहुमुखी जो गरीबी है उसका दुनिया के अंदर हमारा देश नंबर एक है। चौतरफा जो गरीबी है काजमी जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, ये महान, ये देश जो है विश्वगुरु पहले बन चुका है। ये देश दुनिया के अंदर नंबर एक देश है जिसमें चौमुखी बहुमुखी गरीबी है। यानी उसका मतलब क्या है? हेल्थ की गरीबी है, नौकरी की गरीबी है, कपड़े की गरीबी है, खाने की गरीबी है, इलाज की गरीबी है, घर की गरीबी है जी। और उसके बाद औरत मर्द के साथ, औरत मर्द का जो औसत नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, जो औरत के साथ जो अत्याचार होते हैं, ये 140 कंट्रीज में हमारा नीचे से 135वां नंबर है। ठीक है जी, जो गरीबी का जो हंगर है, हमारा 121 देशों में से दुनिया के जो 121 गरीबों के हंगर भूख के शिकार है, हमारा 107वां नंबर है नीचे से। हमारा 7वां नंबर ऊपर से नहीं है, नीचे से 107वां नंबर है। हमारे देश में अखबार वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, 180 देशों में हमारा नीचे से 150वां नंबर है और ये लगातार गिरता जा रहा है। 2 साल पहले 150 था, 3 साल पहले 150 था, मोदी जी का राज एक तो चल गया, एक और तो 180वां नंबर ही हमारा आ जाएगा। हमारा जो खुशहाली का सारी दुनिया का इंडेक्स है जनाब, वो 139 देशों में से 136 है काजमी जी। मेरे प्यारे लोग सुन लीजिए, यानी हम कितने कितने परेशान है, खुशी से कितनी दूर है। खुशहाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुशी से आप घर में, मैं जानता हूं घर के अंदर हंसी आपने देखी नहीं है किसी की,
प्यार से बात करते हुए देखा नहीं है। लोग घर वाले मियां बीवी ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कटाक्ष हो रहा है, एक दूसरे पर तंज हो रहा है, एक दूसरे पर व्यंग हो रहा है। बाहर निकलना, जाकर फिल्म देखना, बाहर कहीं खाना खाना, चाट खाना, ये तो कब का जमाना ये बीत चुका है लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए। उसके बाद 2013 से भारत का ये कहते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो घर की सकल उत्पाद है, वो 50% बढ़ गया है। लेकिन उसके बावजूद हमारी यहाँ 50% से ज्यादा हमारे यहाँ कुपोषण का शिकार है बच्चे। नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है कि हर एक दिन के अंदर 87 रेप केस हो रहे हैं भाई साहब। 80 से हर 16 मिनट के अंदर एक रेप केस है, हर 16 मिनट के अंदर। आप उसके लिए कोई साइंटिफिक तरीका नहीं विकसित कर सकते, वो आप पंचांग पर निर्भर करेंगे, वो आप पंचांग पर निर्भर करेंगे। और ये इस देश के अंदर आप सारे लोगों के कंप्यूटर में आप घुसे हुए हैं, आप उनके मोबाइल में घुसे हुए हैं। लेकिन क्या कितनी इस देश से औरतें गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं? 2019 से 2021 के बीच में 13 लाख बच्चियां गायब हो गई हैं। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया है कि 60,000 बच्चियां 18 साल और उससे ऊपर की, और 2.5 लाख इससे कम उम्र की बच्चियां गायब हो गई हैं पिछले 3 साल में। फिर सुन लीजिए, यानी 1,60,000 18 साल से ऊपर की और 18 साल से कम की 2,50,000। कहां है टेक्नोलॉजी? ये तो कितनी खतरनाक सोच है। तेल बेचने गई है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ आपका नया जहाज दिला देगी। टेक्नोलॉजी आपका जो जहाज है वो आप सो सकते हैं, 25 आदमी जा सकते हैं उसमें, आप ऑफिस आपका बन सकता है। आपका वो 40,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए आपका जहाज आप लेकर घूम सकते हैं। लेकिन आप ये बच्चियां कहां है, क्या हो रहा है, कहां से गायब हो गए, उसका आप आंकड़ा नहीं कर सकते। आप मुसलमान को पकड़ कर के उसने कहां गाय ले जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको वो पता है? ये 13 लाख बच्चियां गायब हो गई हैं पिछले 3 साल के अंदर, आपको उसका पता नहीं है? तो 13 लाख, तो 13 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है सब। और थोड़ा सा भी ख्याल करके देखें कि क्या कोई हमारे घर से भी अगर चली जाए तो कितनी बेचैनी से वो फैमिली। आसपास में रोज सुन रहे हैं हम, लेकिन अब ये कोई मुद्दा भी नहीं है। और दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो बहुजनों के साथ हो रहा है, वो तो गिनती में भी नहीं आता है। ये आंकड़ा है सरकारी के, 7 दलित बच्चियां बलात्कार का शिकार होती हैं, वो मार दी जाती हैं, बलात्कार का शिकार होती हैं, और उसमें केवल 2 का ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे सारे हमारे जो अंतरिक्ष यान हैं, इनका तो फायदा ही होना था कि हम मौसम के बारे में पता कर लेते। काजमी जी, पंजाब जो अन्न आता है सारे देश का, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी कई मीटिंग्स थी पंजाब के अंदर, वहां हम जा रहे हैं अब वहां राहत लेकर। जो सबसे ज्यादा चावल के जिनको जन्नत कहा जाता है, जिनको बोल ऑफ राइस कहा जाता है, बोल ऑफ मीट कहा जाता है, प्याले जो सारी दुनिया को खिलाते हैं, जो इस देश को खिलाते हैं, वो 10-10 फीट पानी में पड़े हुए हैं। और ये इस वक्त चावल के बोने का समय है। ठीक है, आप कैसे प्याज की और टमाटर की फसलें तबाह हुई है हमारे सामने है। आपने विज्ञान का किस लिए इस्तेमाल किया है? आपने इस पृथ्वी का कम सत्यानाश किया है खनिज निकालकर और उसके पानी का दोहन करके? मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले 5,000 साइंटिस्ट सारी दुनिया के लंदन में जुटे, और उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी, यानी हमारी पीढ़ी ने प्रकृति का, नदियों का, पहाड़ों का, समंदरों का जो विनाश किया है, जो उसका ओवर यूज किया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और तबाह होना ही होना है।
सारे आ रहे हैं कि समंदर का तापमान कितना बढ़ गया है, हजारों हजारों जो मछली की किस्में हैं वो तो अपने आप खत्म हो जा रही हैं। और जो कुछ हम कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। मैं एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक को जानता हूं, नागपुर में रहता है वो, और एक दो बार हमने अपने यहाँ इंटरव्यू भी किया है। वो ये कहता है कि हमारे यहाँ बेहतरीन नए इक्विपमेंट आते हैं और दो चार साल बाद वो पैक हुए रखे हुए ही स्क्रैप में चला दे दिए जाते हैं। अफसरों की ऐसी मिली भगत, और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको किसी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो देखिए, जो कुछ हो रहा है नुकसान वो अपनी जगह, इस नुकसान को कम करने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते, करप्शन के भेंट चढ़ जाता है वो। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरी तो एक मांग है, मैं एक मांग पहले करता था कि जो भी धार्मिक गुरु आश्रम खोलना चाहता है, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू या ईसाई या कोई भी, उसकी हमने सबसे पहले उसको जनखा करवा देना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए कि तुमने आश्रम खोलना है तो पहले तुम्हारी हम नसबंदी कराएंगे, है ना, तुम्हारी हम मर्दानगी खत्म कराएंगे, उसके बाद कर सकते। यहां भी मैं ही कह रहा हूं, जो भी चांद पर जा रहे हैं आज हमने उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनसे ये हिसाब लेना चाहिए कि उन्होंने पृथ्वी पर क्या किया है, उन्होंने अपने देश के अंदर क्या किया है, उसका हिसाब दे दो, उसके बाद चांद पर जा सकते हो, नहीं तो तुम चांद को भी तबाह करने जा रहे हो। यानी जो चांद पर जाने वाले हैं उन्होंने जमीन को पहले तबाह किया है और वहां भी तबाही की तैयारी कर रहे हैं, और जंग के लिए जा रहे हैं। इनको कोई एक्सप्लोरेशन कोई नहीं है इनका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप जिस तरह से आपने इस चंद्रयान के इस प्रोजेक्ट के बारे में और उसकी हकीकत बताई है, जिस तरह से आपने श्री राजा मोहन के उस आर्टिकल का भी जिक्र किया है कि ये एक तरह से वहां खनिज पदार्थ के लिए और जंगे आइंदा जो होंगी उनकी तैयारी के लिए, ये बहुत ही इंसानियत के लिए तकलीफ दे मामला है। अब हम खुशियां मनाते रहें, साइंसदानों ने अपना काम किया, और आपने एक बहुत अहम बात बताई कि ये साइंसदान जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी दी है, अगर मोदी जी इसे अपने सर मढ़ना चाहें इस सारी कामयाबी को, उन साइंसदानों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसे हालात में उन्होंने देश के लिए कुर्बानी देकर के दिन रात काम किया है, ये एक और भी बड़ी बात है। और जो कुछ तरक्की हम कर रहे हैं उसको हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि तबाही होते रहना देना चाह रहे हैं, और सिर्फ हम पब्लिसिटी और मीडिया में अपना अपने आप को बड़ा कामयाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ आखिर में कुछ, मेरी बस एक ख्वाहिश है इन साइंटिस्ट से। देखिए, एक बात तो तय हो गई, भारत दो में बट गया है, एक विज्ञान करेंगे, एक मंदिर मस्जिद बनवाएंगे, गांव के नाम पर लड़ाई कराएंगे, हिंदू संघ करवाएंगे, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। मैं इन वैज्ञानिकों से ये निवेदन करूंगा कि वो अपनी संस्थानों को मजबूर करें, पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूर करें कि उनका इस्तेमाल वो देश में खुशी लाने के लिए, देश में खोई हुई बच्चों को तलाशने के लिए, रेल के हादसों को बचाने के लिए, हिमालय पहाड़ जिसको हम पूछते हैं वो ढह ना जाए, वो लड़खड़ाकर गिर ना जाए, उसको बचाने के लिए उनको लगाए जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सही मशवरा और मांग दोनों बातें आपने कही हैं। मैं और लंबी बात ना करके, वक्त चूंकि काफ़ी हो गया, मैं यहीं रुकता हूं और आपसे फिर अगले हफ्ते फिर बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।